तो सब लोग अपनी ये वाली बुक ओपन करिए, सब लोग अपनी ये वाली बुक ओपन करिए। बता दीजिए देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है प्रिंसी, क्या हुआ ईवीएस की जल्दी। What is the day today? Very good. What day today? बोर्ड पे देखिए कौन सी बुक है। Yes, Princey. चलिए सब लोग अपना माइक ऑफ करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। सब लोग अपना माइक ऑफ करिए बेटा, जल्दी से माइक बंद करिए। चलिए सबसे पहले मैं जिसका नाम लूंगी वो सिर्फ माइक ओपन करेंगे। आरुष, सिर्फ आरुष माइक ओपन करेंगे और कोई नहीं। यस आरुष, आरुष इन द स्काई चैप्टर का नाम है। इन द स्काई क्या नाम है? इन द स्काई बोलो। से मैं एक मिनट पूछ रही हूँ, आप पे आऊंगी अभी परवरिश, एक मिनट बेटा बस रुकिए। यस आरुष, चलिए आरुष पहली लाइन रीड करिए। पहली लाइन में क्या लिखा है रीड करिए। हाँ बेटा वेरी गुड आरुष, वी कैन सी द सी सन इन द स्काई इन डे। मतलब इसका क्या हुआ, आरुष म्यूट करिए बेटा। हाँ, हम जो है सन किस टाइम में देखते हैं, नाइट में या डे में? सन हम किस टाइम में देखते हैं? डे में। वेरी गुड आरुष, सो जो सन है वो डे टाइम में निकलता है, तो जो सन है उसको हम कब देखते हैं, डे में। तो इसमें यही लिखा है वी, वी मतलब हम, कैन सी मतलब सी मतलब देखना, वी कैन सी हम सन को देख सकते हैं। कहाँ हम सन कहाँ होता है? वेरी गुड, स्काई में। तो जो सन है उसको हम स्काई में देखते हैं कब, डे में या नाइट में? डे में। वेरी गुड, सो वी कैन सी द सन इन द नाइट। हम सन को डे टाइम में स्काई में देख सकते हैं, इस लाइन का ये मतलब हुआ। अब तनिष्ठा माइक ओपन करेंगी, बाकी सब ऑफ कर लीजिए। यस मैम, ओपन कर ली है। बेटा सेकेंड लाइन पढ़िए। सन इज अ, सन इज द ए, सन इज द ए, द कैन, सन इज ए, सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर, ह्यूज ऑफ फायर, ह्यूज बॉल। बॉल लिखा है ना, बी ए डबल एल बॉल, बॉल तो पढ़ लोगे आप। एच यू जी ई ह्यूज, सब लोग पेंसिल से ह्यूज के आगे लिखिए बिग। ह्यूज का मतलब होता है बिग, बड़ा। बॉल ऑफ फायर, यस। सन के आगे सब लोग ऐसे बिग लिख लीजिए, बिग या फिर बड़ा। ह्यूज का मतलब होता है बिग, बी आई जी बिग।
ठीक है, तो सन जो है वो एक ह्यूज बॉल, ह्यूज मतलब बिग बॉल, बॉल बॉल तो पता है सबको, बॉल क्या होती है, बॉल भी किस शेप में होती है, गोल, और सन भी किस शेप में होता है, सर्किल। यस, तो सन को और बॉल को यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि सन जो है वो एक बड़ी सी मतलब ह्यूज बॉल है, किसकी, फायर की, फायर मतलब आग, जो आग होती है, आग को हम फायर बोलते हैं। यस आरुष, सो जो सन है वो एक बड़ी सी बॉल है, किसकी, फायर की, आग की, ठीक है, यस मैम, फायर। ओके, अब तनिष्ठा माइक ऑफ करेंगी, परवरिश, बेटा नेक्स्ट लाइन, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड ह्यूज लाइट, इस लाइन का ये मतलब हुआ, इट इट को यहाँ पे किससे रेफर किया जा रहा है, सन से, तो इट को ऐसे सर्कल करके सन लिख लीजिए, ठीक है, तो जो सन है वो हमें प्रोवाइड्स अस, प्रोवाइड्स मतलब हमें देता है, सन जो है वो हमें देता है, ठीक है, प्रोवाइड्स मतलब देना, तो जो सन हमें क्या क्या देता है, लाइट देता है और हीट देता है, लाइट मतलब रोशनी, अगर मान लीजिए जब सन रहता है, जब तक बेटा सब लोग म्यूट करिए, हाँ, जब तक सन रहता है तब तक क्या रहता है, हमें लाइट मिलती रहती है, जैसे ही सन चला जाता है अंधेरा हो जाता है ना, जैसे ही सन जाता है बाहर अंधेरा हो जाता है ना, होता है शाम हो गई, सो जब सन चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो सन जब तक रहता है हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है और हीट मिलती है। अच्छा, ठंडी के टाइम में या गर्मी के भी टाइम में, गर्मी हम लोग को लगती है तो हम लोग सन से बचते हैं, ठीक है, क्योंकि सन हमें हीट देता है, हमें और गर्मी लगती है उससे, ठीक है, और ठंडी के टाइम में हम धूप में जाके बैठते हैं ना, जब ठंडी लगती रहती है, तो क्यों बैठते हैं धूप में, ताकि हमें हीट मिले, जिससे हमारी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाए, तो सन हमें क्या क्या चीजें देता है, दो, लाइट और हीट, क्या क्या देता है, वेरी गुड, लाइट एंड, यस, तो सन प्रोवाइड्स अस लाइट एंड हीट, सब लोग बोलिए माइक ओपन करके एक एक, लाइट एंड हीट, वेरी गुड, हाँ, आप लोगों को मैंने एंड का यूज सिखाया है ना, एंड कब लगाया जाता है, जब दो वर्ड्स को एक साथ बोलना हो, तो यही है लाइट, LIGHT लाइट, फिर एंड मतलब इन दोनों को जोड़ रहा है, एंड और हीट, ठीक है, अरे लाइट एंड हीट ऐसे एक साथ नहीं बोलना है, लाइट एंड हीट, तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख लीजिए, प्रोवाइड के, प्रोवाइड को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, देता है या देना, इट को सर्किल करके लिख लीजिए सन, और ह्यूज को बड़ा, और फायर के आगे आग लिख लीजिए, दे काम पर लाइट में भी लगी हुई है, तो सन के बारे में क्या क्या बोला गया है, सन को देख सकते हैं स्काई में, डे टाइम में, वी कैन सी द सन
Mamli. मैंने बड़ा होता है ये क्या है बिग मैम बिग के पीछे क्या लिखी है तुम क्या कर रही मजला की मैम दिखा दीजिए सूरज को ना ठंडी लगे तो थोड़ा गर्म मिल जाता हाँ धूप हो जाता है sun is in huge ball of fire huge ball okay बेटा नेटवर्क इशू क्या था चलिए बताइए सन जो है वो ह्यूज का मतलब क्या होता है ह्यूज का मतलब ह्यूज का मतलब बेटा ह्यूज दिखा दीजिए पहले बताइए ह्यूज का मतलब क्या होता है बिग बड़ा गुड सो सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बड़ा बड़ा सन क्या है बड़ी बॉल किसकी फायर की यस गुड सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर तो सन के बारे में क्या क्या बताया बताया गया आरव आप मुझे बताएंगे आरव यस मैम सन के बारे में क्या क्या बताया गया बताइए बेटा सब लोग पहले म्यूट करिए सब लोग अपना माइक बंद करिए ऐसे मुझे किसी की आवाज नहीं आएगी मैं सबसे पूछूंगी सबकी सुनाओ फर्स्ट से हाँ बेटा सन के बारे में जो भी बताया गया है आपको पूरा सुनाना है We can see sun in the sky in day. Sun is a मतलब क्या वो मतलब भी समझाना है सन मतलब स्काई में रहता मतलब आसमान में दिन के समय स्काई में हम किस टाइम में देखते हैं सन को दिन में डे में डे टाइम ठीक है दिन में डे में चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़िए आरव सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर वेरी गुड तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का सन मतलब बहुत बड़ा है और बॉल की तरह है आग का गोला है वेरी गुड बॉल ऑफ फायर मतलब बॉल है आग का गोला मतलब बॉल है फायर की गुड आरव थर्ड लाइन पढ़िए प्रोवाइड अस लाइट एंड इसका क्या मतलब हुआ आरव मतलब कि ये लाइट देता है और बहुत हीट देता है लाइट वेरी गुड देखिए आरव ने किसके से क्या सब लोग अंदर के लिए क्लैपिंग करिए वेरी गुड वेरी गुड बेटा बहुत अच्छे ऐसे ही पढ़िए अब कौन बताएगा आरुष बताएंगे ऐसे ही एक्सप्लेन करना है आरुष चलिए वी
sun in the sky is day. Sun मतलब कि day में sky करता दिखता है हम लोगों को. Sky में दिखता है आसमान. Ball of fire. मतलब एक sun जो होता है वो एक आँख का गोला होता है. Very good. और third line. It provide us. It provide light and heat. हाँ, इसका क्या मतलब हुआ आरुष? वेरी गुड. सब लोग आरुष के लिए भी क्लास करिए. आरुष ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. वेरी गुड आरुष. क्लैपिंग करिए सब लोग. माइक ओपन करके, माइक ऑफ करके क्लैपिंग सुनाई नहीं देगी. यस. अब कौन बताएगा? प्रिंसी बताएगी. प्रिंसी बताएगी. अब मुझे नहीं याद है. अच्छा ठीक है. तनिष्ठा माइक ओपन करिए. बताइए बेटा. बताइए. We can see sun in the sky in day. इसका क्या मतलब हुआ था बेटा? बहुत बड़ा है. इसका मतलब हुआ हम सन को देख सकते हैं स्काई में डे टाइम में, दिन के टाइम में. नेक्स्ट लाइन. सन डे टाइम निकलता है. हाँ, सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. पढ़िए ये भी. पढ़िए. सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. इसका क्या मतलब हुआ? पढ़ा है और फायर है उसमें से आग. हाँ गुड. थर्ड लाइन पढ़िए अब. इट प्रोटेक्ट यू. प्रोवाइड. प्रोवाइड अस. क्या मतलब हुआ? सन हमें क्या क्या देता है? वेरी गुड. सब लोग माइक ओपन करके तनिष्ठा के लिए भी क्लैपिंग करिए. वेरी गुड तनिष्ठा. ओके, आप परवरिश बताएंगी. परवरिश ऐसे पढ़ने मार देंगे. यहाँ से पढ़ो. पढ़िए जो जो आता है वो पढ़िए. जो नहीं आएगा मैं बताऊंगी आपको. ओके बताओ. पढ़ो. Can see sun in the sky. In day. In the sky. In day. हम सन को sky में देखते हैं, आसमान में देखते हैं, day time में, दिन के time में. अब दूसरी लाइन. It the sun is a huge ball of fire. मतलब सन जो है वो बहुत बड़ा है, ह्यूज है. नेक्स्ट लाइन पर बोले इट प्रोवाइड अस हीट एंड लाइट. और हीट देता है. ओके वेरी गुड. सब लोग
करी, परवरिश ने कोशिश करी, वेरी गुड बेटा। अब सिया बताएगी। यस सिया बताइए, बताइए बेटा। अच्छा सिया आप तब तक, हाँ मतलब समझा दीजिए सिया, मतलब आप समझाइए सन को हम कहाँ देखते हैं? स्काई में, स्काई में, स्काई में देखते हैं। डे टाइम में कब देखते हैं? टाइम में, यस। और सन जो है वो क्या है? बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है और बॉल ऑफ फायर है। और सन हमें क्या क्या देता है? लाइट देता है और हीट देता है। ओके, रोशनी। यस, क्या लाइट मतलब रोशनी और हीट मतलब गर्माहट। ओके, वेरी गुड सिया। सब लोग सिया के लिए भी क्लैप करिए। वेरी गुड बेटा। आराध्या माइक ओपन करिए, जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाइए। बेटा जिसकी टर्न आज नहीं हो पाएगी उससे मैं कल पूछ लूंगी। आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग घर में रीड करके रेडी रखिएगा इसको। ओके, क्योंकि अब क्लास खत्म हो गई है, जिससे मैं नहीं पूछ पाई हूँ उससे मैं कल पूछूंगी। आप लोग तैयार रखिएगा पढ़ के। ओके, सब लोग माइक ओपन कर लीजिए।